के चन्ना पावे ना जुदाई वे अखियां मिला के चन्ना पावे ना जुदाई और साथ ही में जोरदार तालियां पारस जी के लिए। क्या बात है सर, क्या कमाल कमाल, आहा, मतलब बदल बदल के बांसुरी जो उन्होंने सुर निकाले हैं, कोई बांसुरी नहीं छोड़ी, क्या बात है, सुपर, थैंक यू सर, प्लीज आइए आराम से बैठे। घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
कहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त तो मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पयाम दे उसे जाके मेरा पयाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, के माँ के आँचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊँगा। मैं एक दिन आऊँगा, thank you.
क्या बात है कृष्ण कली, कमाल। ओह सर, अगेन सर, क्या लिखा है सर, एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए जावेद सर के लिए। ओह सर, कृष्ण कली जो मैं कह रहा हूं वो इसके अलावा मैं कुछ कह भी नहीं सकता। ये गाना इससे बेहतर नहीं गाया जा सकता था। ओ अमेजिंग, यू हैव टच परफेक्शन। क्या क्या बात, क्या बात। ओ कृष्णा, कुछ आवाजें ऐसी होती है ना जो आपको सुन के ही पता पड़ जाता है कि इनमें कितनी पोटेंशियल है। आप जब गाना गाती हैं तो महसूस होता है, विच इज़ अ ह्यूज डील, बहुत बहुत बड़ी क्वालिटी है। लेकिन जहां तक सुरीलापन का सवाल है उसको आपको थोड़ा सा मांझना होगा। सो आई विश यू लक, गुड। थैंक यू सो मच। ओके नेहा, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप जितना अच्छा गाती हैं उससे एक लेवल और ऊपर जाएं, वो नहीं हो पा रहा है। मैं आपकी और इम्प्रूवमेंट देखना चाहती हूँ इस शो पर। आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू कृष्ण कली। ओके मैम। जावेद साहब, आपने बहुत अच्छी तारीफ की लड़की की कि जहाँ आप अभी बैठे हैं और इर्द गिर्द आपके जो सिंगर्स हैं ये इतने खतरनाक सिंगर हैं और हम इनको जज करते हैं उन सिंगर्स के साथ। अब तुम जानती हो कि नीलांजना कैसे गा रही है, अवंती कैसे गा रही है, तुम्हें पता है कि साथ में लड़के लोग भी कैसे गा रहे हैं। ये कमाल का गाना है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसमें वो चमक आना बहुत जरूरी है, वो खनक और चमक अगर ना होना तो थोड़ी पकड़ी जाती हो। आप कसम खा लो कि मुझे इस कॉम्पिटिशन से हटना नहीं है, आई वॉन्ट टू बी इन द टॉप फाइव, यू कैन कम, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इट स्टार्ट नाउ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या बात है, गुड लक। मैं फिर वही कहूंगा जो मैंने तुमसे कहा था, ये गाना इससे बेहतर नहीं गाया जा सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, आपको पहले नहीं सुना है पर मैं जानता हूं कि आपकी आवाज जो है वो गायकी अंग वाली आवाज है। ये जो आपने गाना गाया है ये बहुत ठहराव वाला गाना है,
इसमें एक दूर जागे भी मेरे यादों में रहना, यादों में रहना ना, यादों में रहना, ये एक गायकी अंग का स्टाइल है, ये अंग है गायकी का। तो मैं इस बात को कहते हुए आपको ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने जो आपकी आवाज़ की एक मुर्कियाँ और जो तैयारी है उसके हिसाब से बड़ा अच्छा कंट्रोल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द सॉन्ग किया। सो वेरी वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अनु सर, क्या होता है कि अगर मैं एज ए कंपोजर अपने सिंगर को जब चुनना जाता हूँ कि यार मुझे अब मैंने गाना बनाया, मुझे सिंगर चाहिए, और गाना जब बनता है ना तो चेहरा सिंगर का सामने आ जाता है। अगर मैंने ये गाना बनाया होता और मैंने तुम्हारी आवाज सुनी होती तो मुझे लगता है कि मैं शायद नहीं, मैं इससे नहीं गवाऊंगा, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज वो होना चाहिए कि अगर आप सैड गाना हो, हैप्पी गाना हो, आप गा लो, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड सिंगर। सौरभ, तुमने बहुत अच्छे से गाने गाए हैं इसी मंच पर। सुनो, ओनली फॉर मी, सिर्फ सिर्फ चार लाइन, सिर्फ मुखड़ा गा दो। कैसे गा दो? हाँ, तुमको भी सुनो, सुनिए, है खबर मुझको भी है पता हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता दूर जाए भी मुझसे बोलो को समझो तुम मेरी यादों में रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। थोड़ा स्माइल भी चाहिए था, कभी अलविदा ना कहना, ऐसा ऐसा। Sir, and thank you, Sonu ji, for being a part of the show. Thank you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.